डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कनेक्शन बना सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। समय बीते जा रहा था, मेरी किताबें आती जा रही थी, मेरी किताबें लोग पसंद कर रहे थे, मैं एक सफल लेखक बनता बन गया जी। एक के बाद दूसरी किताब, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से करीब मैंने 15 किताबें लिखी। मैंने किताबें लिखी हिंदी में जी, सिर्फ हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषा से मेरा एक अलग प्रेम है जी जी जी, आत्मा से निकलती है। हाँ, मेरी फीलिंग्स होती है उसके अंदर। मैं हिंदी में ही लिखता रहा, मगर मेरी किताबें लोगों ने पढ़ने के बाद उसे ट्रांसलेट की। अच्छा, ओके। उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, बंगला में ट्रांसलेट हुई, उड़िया में ट्रांसलेट हुई, असमीज में ट्रांसलेट हुई, तमिल में ट्रांसलेट हुई, अच्छा, तेलुगु में ट्रांसलेट हुई। वंडरफुल। तो इस तरह करीब 12 भाषाओं में मेरी किताबें ट्रांसलेट हुई। 15 पुस्तकें मेरी 12 भाषाओं में प्रकाशित होने लगी जी। विशेष तौर पर मैं किताबें लिख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर। इस नेटवर्क मार्केटिंग पर किताबें लिखने के पीछे कारण था सर। कारण यह था कि मैं जान चुका था कि भारत के अंदर भविष्य, अगर कोई उज्जवल भविष्य होने वाला है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ही होने वाला है। अच्छा। लोग मेरी बातों को नहीं मान नहीं रहे थे, कोई भी मेरी बात को नहीं मान रहा था। राइट। पर मेरी आत्मा से एक जवाब आ रहा था कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही भारत में राज करेगा। राइट। हमारे इंडिया के अंदर स्थिति कुछ अलग थी, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बोलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। ट्रू ट्रू। ये 2000 के आसपास की बात है। उसके बाद अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। राइट। आज की तारीख में भी। राइट राइट। ट्रू। कई ऐसी कंपनियां हैं, लोगों को कहती है कि आप 1000 रुपए लगाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइकिंग करनी है। हाँ, यस। फेसबुक पेज पे लाइकिंग करनी है और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप 1 लाख रुपए लगाओ, 1 साल बाद आप 2 लाख रुपए ले लो। जी जी जी। अब आप बताइए, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना किसी प्रोडक्ट के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आज की तारीख में भी क्या है, हर इंसान को देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल रहा है। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं। सर, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाइए। अच्छा। हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर रखना चाहते हैं इसका। आप सारा क्रीम आप लो हमारे साथ बैठकर। राइट। मैंने उनसे पूछा, क्या चीज है? कहते ये प्रोडक्ट रख रखे हैं, मार्केट में मिल रहे हैं, 1000 का प्रोडक्ट है, हमें 5000 सीधा बचता है। अच्छा। लोगों को क्या मालूम, लोगों को हम 6000 में देंगे, 10000 में देंगे, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे और पैसा ले लेंगे। उन्हें पैसा, लोग तो पैसा देखते हैं ना। राइट। लोग प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, मेरे को बोल रहे हैं। कहते प्रोडक्ट छोड़िए, प्रोडक्ट तो कुछ भी दे दो। कहते जब जुड़ जाते हैं ना, कुछ भी दो सब खरीदेंगे वो। कहते उन्हें सिर्फ बताएंगे प्रोडक्ट मत देखो, बिजनेस देखो, अपॉर्चुनिटी देखो। पैसा मत देखो, ये अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है क्या आपको? 10000-20000 में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप रो रहे हो प्रोडक्ट को। अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं बेसिकली। हाँ, कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोड़ो बाकी चीज। ये पैकेज, ये टूर पैकेज, ये या प्रोडक्ट भी कोई ऐसा है कि बिना मतलब का हार माला पहन लो। माला पहन लो, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी 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 जी। श्रीयंत्र बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। Right. और लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। इतना खूबसूरत बिजनेस। Right. इतना अच्छा बिजनेस, और यहाँ पर लोग चीटिंग्स कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी, नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनर बन के बैठे हुए हैं लोग। हाँ, मेरे एक मित्र हैं सर, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर ट्रेनिंग देते हैं, ज़्यादातर वो मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो गए हैं। तो असफल होने के बाद जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हुआ जाता है, उस पर व्याख्यान देते हैं, बड़े लंबे लंबे वर्कशॉप करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैं भी देख चुका हूँ सर। आप देखिए, जितने ट्रेनर बन रहे हैं आज की तारीख में, जितने भी ट्रेनर अपने आप को बोलते हैं मैंने इतने लोगों की जिंदगी बदली, ये करी ये करी, और वो नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं। मैं ये कहता हूं आपसे, जो भी आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ट्रेनर बनके खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहा हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के गुर सीखने के लिए मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा,
आप उनसे एक बार प्रश्न पूछिए कि आप कहां पर कामयाब हुए हैं पहले ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने कौन से कीर्तिमान स्थापित किए पहले ये बताइए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा क्या करके दिखा दिया, आप ये तो बताओ कि लोग आपको सुने आपसे सीखें। आप मुझे कुछ सिखाने वाले हैं जी, जी। जो मुझे सिखाने वाले हैं क्या आपने ये काम किया है? आपने किया मगर वहां पर तो असफल हुए जी। आप एक असफल होके मुझे सफलता के पाठ क्या सिखा सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, अगर सफलता के पाठ सीखने हैं तो उस व्यक्ति से सीखो जो स्वयं सफल है जी। जो असफल है उस सफलता के पाठ कैसे सिखा सकता है जी। उसे मालूम ही नहीं सफलता कैसे पाई जाती है, सफलता कैसे मिलती है, उसे सफलता देखी नहीं, सिर्फ वो किताबें बातें पढ़ रहा है या कहीं पे सुन लिया उसको बोल रहा है, सिर्फ एक वक्ता के रूप में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, पर उसके बैक में उसकी सफलता देखें कहीं कुछ नहीं। और जबकि सर हमारी इंडस्ट्री में तो ये कहा जाता है कि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, एक आदमी पहले किसी चीज़ को अचीव करता है और फिर वो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा सर, इस धरती के ऊपर अगर व्यक्तित्व विकास के ऊपर बात की जाए, एक इंसान के इंप्रूवमेंट की बात की जाए जी, तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं एक बात जरूर कहूंगा दर्शकों से, आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाते हैं। वंडरफुल। आपका व्यक्तित्व विकास जरूर हो जाता है, कुछ मिले चाहे ना मिले, राइट। आप अपने आप को एक अलग पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा, आपका व्यक्तित्व टोटली बदल चुका होगा, right। आपके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, लोगों से बात करने का ढंग बदल चुका होगा, sure। आप एक व्यवहारिक व्यक्ति बन चुके होंगे, wonderful sir। लोग आपसे मोहब्बत करने लगे होंगे, right, लोग आप दिल जीतना सीख चुके होंगे, एक सम्मानित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बेशक आर्थिक रूप से सफल नहीं बने मगर जहां भी जाएंगे लोग आपको सम्मान करेंगे। वंडरफुल सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां आप जाते हैं अपनी टीम में कहीं पे, वहां आपको फूलों से माला से आपका स्वागत किया जाता है, राइट। लोग आपके लिए क्लैपिंग्स करते हैं, लोग आपके लिए वेलकम करते हैं, लोग आपके लिए अच्छा खाना आपके सामने लाके रखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ उनका गुरु उनके सामने आया है जी, जी। उनका मार्गदर्शक उन्हें उनके सामने आया है, क्योंकि आप उन्हें अच्छे संस्कार सिखा रहे होते हैं और जो भावना होती है वहां पे, हाँ। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल रियल होती है, हाँ। क्योंकि वो रियल इसलिए होती है कि मैं यहां बता दूं, सफल वही होगा सर इस इंडस्ट्री में जो अपने एक्टिव अप्लाई, राइट, अच्छे अप्लाइंग के आदर्शों को पालन करेगा, उसको कॉपी करेगा, डुप्लीकेट करेगा उसको, डुप्लीकेट करेगा। ये थे श्री सूर्य सिन्हा जी, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज एक बड़ा नाम है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक नए मुकाम पे लेके गए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।